कदाग्र आवे त्यां सम्यक दर्शन चालू जाए। माटे जीवन में क्यारे पण दुराग्रह हठाग्रह कदाग्रह नहीं राखो। वितराग स्तोत्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी लखे छे, भगवान काम राग स्नेह राग विशद कर निवारण दृष्टि रागस्तु पापियांश दुरुत छेद सतावापी। कोई विषय ऊपर नी आसक्ति थाय समझ्या एने हजी खेचवी सहलीश। कोई परिवार ने कुटुंब ऊपर नो स्नेह राग थई जाय एने घटाड़वो सहलो। पण आ जीवन नी अंदर दृष्टि राग एने घटाड़वो बहु अघरो। अच्छा अच्छा विद्वानो अने पंडितो पण आ दृष्टि राग में फसाई जता। अमे जे कहीए ते साचू, मारू ते साचू ए मिथ्यात्व, अने साचू ते मारू एनु नाम। आमां तो आपणने हरिभद्र सूरी महाराज मळ्या। जे गाथानो अर्थ मने नहीं आवडे ने जे समजावशे एनो हूँ शिष्य बनी जईश। एटलो बधो फाको हतो, एटलो बधो गुवार हतो एमने, कि आ जगत में कोई तत्व एवं नथी के जे मने न आवडे। अने फाका माने गुमान में रहता था। चितोड़नी अंदर एक वार सांजना समय निकळ्या, साध्वीजी ना उपाश्रयमांथी गाथानो अवाज आव्यो, चक्की दुगम चक्की दुगम, हरी पणगम पणगम, चक्की ने केसवो चक्की। व्हाट इज धीस चक्की चक्की चक्की? आ चकली चकली हूं कर्या करे छे महाराज? चक्की दुगम हरी पणगम पणगम, चक्की ने केसवो चक्की। सालू इतना पढ़ा कहीं ये चक्की चक्की तो आया ही नहीं। पोताना मन थी अर्थ विचारे, व्हाट इज चक्की, व्हाट मीन्स चक्की, पण काय बेसतो। હવે નિયમ ન આવડે તો પૂછવાનું, સીધા ઉપાસના દાદરા છોડ્યા। બહારથી પૂછે છે, માતાજી અંદર આ સકતા હું? અભી નહીં, શામ કો સૂર્યાસ્ત હો જાને કે બાદ કોઈ વિજાતીય હમારે ઉપાશ્રય મેં પ્રવેશ નહીં કર સકતા। ઠીક હે, સુબહ મેં આવું, સવારે આવે। ये चक्की दुगम क्या कर रहे थे आप? दूसरी बात सुन लो, कुछ भी पढ़ना है तो साध्वी जी कभी पुरुष को नहीं पढ़ा सकते, जैसे साधु महाराज महिला को नहीं पढ़ा सकते वैसे साध्वी जी पुरुष को। तो मैं कहां जाऊं? हमारे गुरुदेव है मंदिर के पास उपाश्रय में, जिन भट्ट सूरी वहां पे चले जाओ। पहुंची गया, ललाट तेजस्वी विद्वान हता, आखा चित्तौड़मां नहीं आखा राजस्थानमां एनो जोटो न जड़े एवा हरिभद्र हता। अने एने कीधुं, महाराज हुं शीखवा आव्यो छुं, आ चक्की दुगम शुं हतुं? शुं बृहत क्षेत्र समासनी गाथा, के आ बार चक्रवर्ती वासुदेव बधा कया क्रमथी थया? तो पेला चार चक्रवर्ती थया, भरत सगर सनतकुमार वगैरे, पछी पांच वासुदेव थया, પછી પદ ચક્રી થયા, પછી વાસુદેવ થયા, પછી ચક્રવર્તી, બાર ચક્રવર્તી ને નવ વાસુદેવ જે થયા ને એ કયા ક્રમથી થયા છે? એવું નહીં કે પેલા બાર ચક્રવર્તી થાય પછી નવ વાસુદેવ થાય। ઋષભદેવથી મહાવીરમાં 24 તીર્થંકર, બાર ચક્રવર્તી, નવ બળદેવ, નવ વાસુદેવ, નવ પ્રતિવાસુદેવ, નવ નારદ, આ બધા આ 24 સીમાં થયા। પણ ક્રમ એ ક્રમની સરસ ગાથા હતી। પણ હવે જેને 63 સલાકાની જ ખબર ના હોય, હા જૈન ધર્મની, એને બચારાને તો ચક્કી દુગમ માં શું ગમ પડે?